यूपी के चीन के हांगझाओ में G20 देशों के दो दिन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले G20 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। मोदी ने कहा कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक देश है जो आतंकवाद फैला रहा है, ये देश आतंकवादियों को हमारे देश में भेजता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो देश और संगठन आतंकियों का समर्थन करते हैं उन पर पाबंदी लगना जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। G20 समिट में पीएम मोदी ने ब्लैक मनी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने सभी देशों से काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की अपील की। मोदी ने सभी देशों से अपनी जमीन को आर्थिक अपराधियों की पनाहगाह न बनने के लिए भी अपील की। G20 देशों की बैठक के दूसरे और आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा से भी मुलाकात की। दोनों देश आपसी सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर राजी हुए। Important summit. We look at the G20 as a very important forum for global governance, as you know, certainly a much more representative forum, which is based on objective criteria. And from that point of view, we have always been very active participants in G20.